दीनबंधु सर छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के पास गढ़ी सांपला गांव के एक गरीब किसान के घर उन दिनों हुआ जब ग्रामीण जनता साहूकारों के शोषण नौकरशाही के दमन और आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त थी। बालपन से ही बुद्धिमान छोटू राम की मिडिल के बाद की शिक्षा के लिए कर्जा लेने गए उसके पिता के साथ साहूकार द्वारा अपमानजनक व्यवहार ने बालक छोटू राम को भीतर तक झकझोर दिया और यहीं से उसके मन में ये सोच पैदा हुई कि इस वर्ग को राजनैतिक आजादी से पहले आर्थिक आजादी की जरूरत है। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई चाचा की मदद से और कॉलेज और लॉ की डिग्री से छाजू राम के सहयोग से पूरी कर उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। इसके कुछ समय बाद किसान और कमेरे वर्ग के हकों की लड़ाई व्यापक स्तर पर लड़ने के लिए वो सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। राजनीतिक पारी की शुरुआत में ही वो रोहतक से कांग्रेस के प्रथम जिलाध्यक्ष बने, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन से असहमत होने के चलते कांग्रेस को अलविदा कहकर मियां सर फजले हुसैन व अन्य साथियों के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। छोटू राम जी ने लगभग 25 साल सत्ता में रहते हुए किसानों और मजदूरों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करा आर्थिक आजादी दिलाने में कामयाबी पाई। 1942 में अपने कठोर रुख और दृढ़ निश्चय से अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6 से 11 रुपए प्रति मण के हिसाब से स्वीकृत करवाया। गीता के कर्म सिद्धांत में गहन विश्वास रखने वाले आर्य समाजी छोटू राम जी अपने कार्यों से हिंदुओं के दीन बंधु, मुसलमानों के रहबरे आजम कहलाए। उस समय के मुस्लिम समाज में उनकी लोकप्रियता का ही असर रहा कि उनके होते हुए जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग जैसी सांप्रदायिक ताकतें पंजाब में उभर नहीं पाई। वो अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे और भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1943 में गांधी जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। हरित क्रांति की सोच लेकर भाखड़ा नंगल डैम की मूल परिकल्पना उन्होंने ही की थी और बतौर मंत्री 8 जनवरी 1945 को पूरी रात भाखड़ा नंगल डैम की फाइल्स पर दस्तखत कर 9 जनवरी 1945 की सुबह अंतिम सांस ली। आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के खेतों में साल भर लहलहाती हरियाली उन्हीं की देन है। दीनबंधु सर छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के पास गढ़ी सांपला गांव के एक गरीब किसान के घर उन दिनों हुआ जब ग्रामीण जनता साहूकारों के शोषण नौकरशाही के दमन और आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त थी। बालपन से ही बुद्धिमान छोटू राम की मिडिल के बाद की शिक्षा के लिए कर्जा लेने गए उसके पिता के साथ साहूकार द्वारा अपमानजनक व्यवहार ने बालक छोटू राम को भीतर तक झकझोर दिया और यहीं से उसके मन में ये सोच पैदा हुई कि इस वर्ग को राजनैतिक आजादी से पहले आर्थिक आजादी की जरूरत है। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई चाचा की मदद से और कॉलेज और लॉ की डिग्री से छाजू राम के सहयोग से पूरी कर उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। इसके कुछ समय बाद किसान और कमेरे वर्ग के हकों की लड़ाई व्यापक स्तर पर लड़ने के लिए वो सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। राजनीतिक पारी की शुरुआत में ही वो रोहतक से कांग्रेस के प्रथम जिलाध्यक्ष बने, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन से असहमत होने के चलते कांग्रेस को अलविदा कहकर मियां सर फजले हुसैन व अन्य साथियों के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। छोटू राम जी ने लगभग 25 साल सत्ता में रहते हुए किसानों और मजदूरों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करा आर्थिक आजादी दिलाने में कामयाबी पाई। 1942 में
अपने कठोर रुख और दृढ़ निश्चय से अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6 से 11 रुपए प्रति मण के हिसाब से स्वीकृत करवाया। गीता के कर्म सिद्धांत में गहन विश्वास रखने वाले आर्य समाजी छोटू राम जी अपने कार्यों से हिंदुओं के दीन बंधु, मुसलमानों के रहबरे आजम कहलाए। उस समय के मुस्लिम समाज में उनकी लोकप्रियता का ही असर रहा कि उनके होते हुए जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग जैसी सांप्रदायिक ताकतें पंजाब में उभर नहीं पाई। वो अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे और भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1943 में गांधी जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। हरित क्रांति की सोच लेकर भाखड़ा नंगल डैम की मूल परिकल्पना उन्होंने ही की थी और बतौर मंत्री 8 जनवरी 1945 को पूरी रात भाखड़ा नंगल डैम की फाइल्स पर दस्तखत कर 9 जनवरी 1945 की सुबह अंतिम सांस ली। आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के खेतों में साल भर लहलहाती हरियाली उन्हीं की देन है। अपनी लगन, मेहनत, कार्यों और दूरदर्शी सोच से वो एक अमर इतिहास और एक ऐसा मार्ग आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर गए जिसके एक हिस्से का भी अनुसरण किया जाए तो पूरी मानवता का कल्याण हो जाए। ऐसे शख्स बिरले ही पैदा होते हैं। वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में गांवों के विकास के लिए उनके नाम पर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 3 वर्षों में 3,000 से 10,000 तक की आबादी वाले 1,700 गांवों के विकास पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दीनबंधु सर छोटू राम जी का जन्म